बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों 30 अक्टूबर 2006 को बजावड़ के एक मदरसे के ऊपर अमरीकी ड्रोन हमला होता है कि जिसमें 90 से ज्यादा मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, और उस अमरीकी ड्रोन हमले की जिम्मेदारी उस वक्त के पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने यह कहकर ली कि इसमें हमने हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को हला किया है और हमने बड़ी ही कामयाबी से मदरसे को निशाना बनाया है। उसके अल्फाज कुछ यूँ होते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली नॉक्ड आउट द मदरसा। कुछ दिन पहले कि जब हमारे एक रहनुमा मोहसिन दावड़ हमारे मशहूर मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के ऊपर बात कर रहे थे, तो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा मुराद सईद ने उसकी बात को नलीफाई करने की इस तरह कोशिश की कि मोहसिन दावड़ साहब, आप तो वो बंदे हैं कि जो 2009 में ड्रोन हमलों की हिमायत में बात किया करते थे, गोया ये ड्रोन हमले तो जैसे आपकी वजह से शुरू हुए थे। तो जनाब, जब बार बार ये बात की जाएगी तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर, इसके हकाए के ऊपर से पर्दा उठना ही चाहिए। सवाल ये बनता है कि ये ड्रोन हमले किसकी इजाज़त से शुरू हुए थे। 2004 से जब ये ड्रोन हमले शुरू हुए तो इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं कि जब ड्रोन हमला तो अमरीका ने किया लेकिन उसकी जिम्मेदारी पाक फौज ने ली। तो जवाब बड़ा वाजह हो जाता है कि ये ड्रोन हमले पाक फौज की इजाज़त से शुरू हुए थे। तो जनाब, कोई भी काम यहाँ पे बगैर पैसों के तो नहीं किया जाता। जब इजाज़त इन लोगों ने दी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ड्रोन हमलों से अगर कोलेट्रल डैमेज भी होता था या किसी दहशतगर्द को निशाना बनाया जाता था या कोई आम बंदा उसमें शहीद होता था, उसके ऊपर भी बाकायदा डॉलर्स वसूल किए गए हैं। अब सवाल ये बनता है कि जब डॉलर्स भी वसूल किए गए तो ये डॉलर्स गए कहाँ पे और किसके ऊपर लगे और किसने उनको वसूल किया। पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट जब ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की बात करती है, कमीशन की बात करती है, तो ये बात उसमें भी शामिल हो जाएगी कि ये ड्रोन हमले किसकी इजाजत से शुरू हुए थे और इससे जिसने फवायद उठाए वो किसको पहुंचे। सवाल तो ये भी बनता है कि जब ये ड्रोन हमले शुरू हुए उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है। क्या ये ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी, रोकने की जिम्मेदारी मोहसिन दावड़ की थी? क्या उसके ट्वीट से ये ड्रोन हमले भी बंद हो जाते अगर उसको उसकी मुखालफत करता, या ये ड्रोन हमले को रोकने की जिम्मेदारी पाक फौज की थी जिनको हमने अपने पेट काट काट कर उनको मुख्तलिफ किस्म के असलहे लेकर दिए, उसको बेहतरीन सहूलियात फराहम कर दी, हमने इसको शादी में शादियाने बजाने के लिए तो नहीं रखा है हमने ये फौज, हमने इसलिए रखा है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर हमारा तहफ़ किया जा सके और मुल्क की सॉवरेनिटी का तहफ़ किया जा सके। लेकिन उस वक्त आप जब ये बात करते हो कि अमरीकी ड्रोन हमलों की आप हिमायत किया करते थे, तो इसका मतलब भी आप ये भी कहते हो कि हम यहाँ पे अमरीकी ड्रोन हमले हो रहे थे, गोया वो किसी की भी इजाज़त से हो रहे थे, लेकिन हमारी फौज इतनी नाअहल थी कि वो उसको रोकने में नाकाम थी, आप ये भी तस्लीम कर रहे हो। तो जनाबे वाला, एक बात, या तो ड्रोन हमले आपकी इजाजत से शुरू हुए थे, जब शुरू हुए थे तो डॉलर्स वसूल किए गए, वो डॉलर्स कहाँ गए? अगर आपकी इजाजत से ये ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे तो ये नाअहल किसकी थी, इसका भी तायुन किया जाना चाहिए। जबकि हम तो बाकायदा मोहसिन दावड़ अली वजीर को ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में ये सवाल दाखिल किया जाए, इसका जवाब ढूंढा जाए, और वो सवाल ये हो कि ये ड्रोन हमले किसकी इजाजत से शुरू हुए थे, इसके फवायद किसको पहुंचे, और अगर किसी की इजाजत से ये शुरू नहीं हुए थे तो ये नाअहली किसकी थी, उसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, और कौन नाअहल हुआ कि जो इसको रोकने में कौन अपनी नाअहली का सबूत देता रहा। तो मुराद सईद साहब को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप इसके ताने हमें मत दें कि कौन ज्यादा इसके ऊपर हिमायत किया करता था या कौन मुखालफत किया करता था। आपकी दोगली पॉलिसी तो इतनी है कि कल को हो सकता है कि वो लोग कि जो इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नेटो सप्लाई बंद किया करते थे, कि जिनमें से हम में से बहुत सारे लोग शामिल हैं, हो सकता है कल आप उसको भी ऐसे दहशतगर्द साबित कर लें कि आप तो ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नेटो सप्लाई बंद किया करते थे, आप उनको दहशतगर्द साबित कर लें, क्योंकि आपकी दोगलेपन की तो कोई गारंटी नहीं है। कभी भी कोई भी जब भी फायदा पहुंचा तो आप जो है मुखालिफ सिमत में निकल गए। लेकिन जब अगर आप वाकई इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं तो जवाब बड़ा ही वाजह है,
वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि देखा जो काकर तीर कमिनगा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अगर वाकई आप देखना चाहते हैं कि ड्रोन क्या है और ड्रोन किसकी वजह से शुरू हुए थे, तो आपको अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।